welcome you all here in the third session of Tamarind Hall on 6 December 2019. It is the third session of this hall in Orange City Literature Fest, and time for this session will be 12:20 to 1:20 p.m. This session will be of 60 minutes. We will be now discussing about Kashmir, past imperfect, future bright, abrogation of Article 370, and way ahead with Tuhin Sinha, sir. Tuhin Sinha is a best-selling author and politician. Tuhin is acknowledged among the most prolific Indian writers with a maverick knack to experiment with new genres. He has authored 10 books now. His last book, When the Sheaf fell in love with an interesting tagline, Kashmiriat, Insaniyat, Jamhuriya, Hindustaniyat, was in news recently as the solution outlined in the book for the Kashmir problem was uncannily similar to the one initiated by the government with the abrogation of Article 370 and 35A and reorganization of the state. At present, Tuhin is a spokesperson of BJP. As an articulate speaker, he brings a lot of objectivity to the high decibel TV debates with his structured, nuanced arguments. Now I am handing this session to over. Namaskar, dosto. It feels good to be back in the Orange City. Aaj halaki vishay Kashmir hai. Aap sabko pata hoga ki pichle aaj subah 3:30 baje ek hadsa hua hai Hyderabad mein. Ek vardat hadsa, jo bhi aap kahiye, jiski charcha pure desh mein ho rahi hai. Aur aaj jo hai us swabhavik hai ki आपके मन में भी वो चल रहा होगा. तो इससे पहले कि हम कश्मीर पे आए, कोई है यहाँ पे जिसके मन में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, क्या यही एक जस्टिस डिलीवरेंस सिस्टम रह गया था या कुछ और हो सकता था? कोई है जिसके मन में कोई? As India don't have the strict rules, so whatever the guys did, they did good. Because I think the only way left for the justice, or else we will having the long way to go for justice. I think so. जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही विरोधाभास की स्थिति है जहाँ की दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है. तो हो सकता है कि लीगली आप जानते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, बट एट द सेम टाइम हर व्यक्ति के मन में मैं देख रहा हूं कि कहीं एक सुकून है भीतर से. और वो सुकून इसलिए है कि जो एक अपराध हुआ था उसको एक क्लोजर दिया गया एक निर्धारित समय में. मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई विवाद, कई अपराध या कई इनजस्टिस जो हैं वो सालों साल ही नहीं, सेंचुरीज तक चले आते हैं. और कई बार जब आप उसको क्लोजर देते हैं तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं कि वो क्लोजर सही था या गलत था. ऐसा ही एक क्लोजर जो है कश्मीर के विवाद को देने का प्रयास किया गया जब 5 अगस्त को हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के रूप में मान्यता दी, जो कि बाद में 30 अक्टूबर से मान्य हुआ. अब कश्मीर की समस्या जो समाधान है और जो भविष्य का रास्ता है उस तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कश्मीर की समस्या को समझें. क्योंकि कई कई बार जो होता है आप और इतिहास में जाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब तक आप वो इतिहास की पर्सपेक्टिव को नहीं देखें तब तक वर्तमान
में जो हो रहा है उसको समझना मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहले तो मैं कुछ समय लूँगा टू गेट टू व्हाट द कश्मीर प्रॉब्लम वाज ऑल अबाउट. और हालांकि आदमी हम 500-600 साल पीछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू 200 इयर्स. 1820 में 200 साल के मुगलों और उसके बाद अफगानों के अत्याचार के बाद सिख डायनेस्टी ने कश्मीर का कमान संभाला था. लेकिन 1846 आते आते डोगरा के रूलर्स जो थे, जो जम्मू को रूल करते थे, तब तक जो है ब्रिटिश रूल जो है पूरी तरह से कायम हो गया था इंडिया में, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो जम्मू और कश्मीर को भी रूल उनके अंडर में था. तो जब सिख रूलर्स जो हैं वो एक यू नो दे हैड पेड अ सर्टेन अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स टू गेट टू रूल जम्मू एंड कश्मीर, एक तरह से आउटसोर्स किया गया था जम्मू कश्मीर के रूल को. तो जब सिख रूलर्स ये नहीं पे कर पाए थे तो डोगरा डायनेस्टी जो जम्मू और लद्दाख को रूल करती थी वो 1846 से पूरी कश्मीर वैली और पूरा जो उस वक्त अक्साई चिन और वो सब जो आज चाइना का पार्ट है वो सब डोगरा डायनेस्टी के हाथों में आया. ये था 1846. और स्वाभाविक है कि इस समय से या राइट फ्रॉम 1820s कुछ एक रोल रिवर्सल हुआ था. तो अगर उससे पहले औरंगजेब के शासन में जब 1658 टू 1707 औरंगजेब का रूल था, और स्वाभाविक इसके सबसे ज़्यादा अत्याचार कश्मीर वैली में उस दौरान हुए थे, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुए थे. हालांकि अगर ये भी सत्य है कि बहुत सारा कन्वर्जन जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो सूफी संतों के एक पॉजिटिव प्रभाव में भी हुआ है. तो कश्मीर इसलिए एक विचित्र लैंड है. अगर मुगल शासक जो हैं अगर औरंगजेब के अत्याचार से काफ़ी कन्वर्जन हुए थे तो कई कन्वर्जन जो हैं वो सूफी संतों के एक पॉजिटिव प्रभाव में भी हुए थे. और इनफैक्ट नूरुद्दीन एक सेंट हैं, सूफी सेंट हैं, नूरुद्दीन नूरानी इफ आई एम करेक्ट. आज जो है आज तक कश्मीर वैली में कश्मीर पंडित भी उनको उतना ही मानते हैं जितने कि मुस्लिम्स मानते हैं. तो सूफिज्म का इतना एक बड़ा प्रभाव कश्मीर वैली में था. बट एनीवे कमिंग बैक टू द डोगरा रूल, क्या हुआ था कि उससे पहले जो अत्याचार हो रहे थे मुसलमानों पे, ये एक फैक्ट है कि हालांकि हिंदू माइनॉरिटी तब तक बहुत कम हो गई थी और 10% से भी कम थी, दे ट्राइड टू रिवर्स द सिचुएशन. सो ऑब्वियसली द हिंदू माइनॉरिटी स्टार्टेड गेटिंग बेटर गवर्नमेंट जॉब्स, बेटर फैसिलिटीज, और कहीं ना कहीं एक माइल्ड पर्सिक्यूशन जो है मुसलमानों पे शुरू हो गया था ये 1820s. और जो स्वाभाविक है क्योंकि जब एक साइकिल चलता है, किसी एक कम्युनिटी पर अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं वो साइकिल बदलता है. और अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री हैज सीन मैनी ऑफ दीज साइकिल्स. अब हम आते हैं 1920s में. अंतिम डोगरा शासक जो थे वो राजा हरी सिंह थे, जो अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव एक वर्ल्ड व्यू रखते थे, काफ़ी कुछ उन्होंने कश्मीर को सुधारने के लिए किया. लेकिन इसी वक्त जो है लेट 1920s और अर्ली 1930s में, तब तक ये जो एक परसेप्शन बन चुका था कि मुस्लिम्स आर बीइंग पर्सिक्यूटेड, इसके रिस्पांस में एक पार्टी बनी जिसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसके नेता थे शेख अब्दुल्ला, और इन्होंने ये पार्टी बनाई थी एक और नेता के साथ, गुलाम अब्बास के साथ. अब नेहरू जी के पास दो ऑप्शन थे, ये क्लैरिटी थी उनके मन में कि कश्मीर नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन एक जो डेमोक्रेसी का एक होलियर देन दाउ एटीट्यूड था उनमें, तो उनको लगता था कि शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर कश्मीर को साथ इंडिया के साथ करना ज़्यादा आसान होगा. और 1937-38 में पहली बार उनकी मुलाकात हुई शेख अब्दुल्ला के बीच में, एक ऐसी दोस्ती कायम हो गई जो पूरे कांग्रेस में किसी को समझ में नहीं आ रही थी. लेकिन इस दौरान हरी सिंह जो हमेशा एंटी पाकिस्तान था और जो हमेशा इंडिया के साथ आना चाहता था, वो
कहीं ना कहीं नेहरू जी के ये एक ऑब्सेशन जो था शेख अब्दुल्ला या जो जिस तरह से जिस प्रकार से पेट्रनाइज कर रहे थे वो अलग होना शुरू हो गया। तो 1946 में आज़ादी के एक साल पहले जहाँ ज़रूरत थी कि कश्मीर में एक समन्वय का माहौल हो, एक यूनिटी का माहौल हो, वहाँ शेख अब्दुल्ला ने सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी थी हरी सिंह के खिलाफ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब नेहरू शेख अब्दुल्ला को छुड़ाने जो है उस वक्त 1946 में कश्मीर पहुँच गए, तो स्वाभाविक है कि हरी सिंह वॉज वेरी एंटोगनाइज बाय दिस नेचर ऑफ नेहरू। इनफैक्ट सरदार पटेल का भी एक खत है उस समय का, जिसमें कि ही हैड क्लियरली मैंशनड वाई डज नेहरू नीड टू गेट सो इन्वॉल्व इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर विच इज़ एक्चुअली एंटेगोनाइजिंग राजा हरी सिंह एंड मेकिंग हिम एंटी इंडिया। और ये भी एक तथ्य है कि 1946 में सितंबर तक हरी सिंह न्यू कश्मीर। कश्मीर की एक विचित्रता ये थी कि उस वक्त जब मैं डोगरा डायनेस्टी का जिक्र कर रहा था, देर वॉज 5 or 6 एथनिक डिविजन्स विच हैड कम टुगेदर टू बी अ पार्ट ऑफ कश्मीर। तो जो अगर हम कश्मीर वैली को करें तो उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स थे, जम्मू में थे डोगराज, अगर लद्दाख की साइड जाए तो बुद्धिस्ट थे, अगर पीओके में आज जो मुजफ्फराबाद है या मीरपुर हैं तो वहाँ पर पंजाबी मुस्लिम्स थे ज़्यादातर, और फिर अक्साई चिन के तरफ जो हैं बुद्धिस्ट हो जाते थे, और जो आज बालिस्तान के नाम से जो जाना जाता था गिलगित और बालिस्तान के नाम से जो एरिया, वहाँ एक अलग ट्राइब होती थी दार्दी ट्राइब्स, बाल्टी ट्राइब्स। तो इतने सारे एथनिक डिविजन्स का साथ में होना वैसे भी मुश्किल था, और हरी सिंह को यह बात पता थी कि अगर नेहरू से जो भी उनके डिफरेंसेस हों, अगर वो इंडिया के साथ उतना विलय नहीं करते हैं तो पाकिस्तान आज ना कल आक्रमण करने वाला था। तो 1946 में सितंबर में भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था न्यू दिल्ली टू नेगोशिएट कश्मीर मर्जर विद इंडिया, और नेहरू ने उस वक्त भी उनको वापस भेजा कि जब तक शेख अब्दुल्ला को नहीं छोड़ा जाएगा जेल से, जो उस वक्त जेल में थे, मैं कोई मर्जर की बात नहीं करूँगा। और अंततः 5 हफ्ते बाद, एग्जैक्टली 5 वीक्स आफ्टर दिस सितंबर इंसिडेंट वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर हैड कम डाउन टू नेगोशिएट द मर्जर ऑफ कश्मीर विद इंडिया, ऑन 22 अक्टूबर कश्मीर वॉज अटैक्ड बाई ट्राइबल ट्रूप्स ऑफ पाकिस्तान एंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट वॉज अंडर सीज। और ऐसी हालात में उस वक्त भी अपनी ईगो को साइड में रखते हुए हरी सिंह ने इंडिया के साथ रातों रात बिना किसी कंडीशन के मर्जर साइन किया था, जो 26 अक्टूबर को हुआ, और 27 अक्टूबर से हमारे ट्रूप्स वहाँ पे आ गए थे उनके ट्रूप्स को वहाँ से भगाने के लिए। तो जो मर्जर बहुत आसानी से सितंबर 1947 में हो जाता, सिर्फ एक महीने के अंतराल में वो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि आज भी उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बिकॉज अगर आप टोपोग्राफी देखें, जिस कश्मीर के जिस भाग को आज पीओके कहते हैं या जो ऑक्यूपाइड है, उसको वापस क्लेम करना वाकई मुश्किल है। उस वक्त भी मुश्किल था, उस वक्त इसलिए मुश्किल था क्योंकि उतनी ही ज़रूरत थी हमारी सेना की हैदराबाद में, उतनी ही ज़रूरत थी हमारी सेना की नॉर्थ ईस्ट में। तो आज हम ये कह सकते हैं कि नेहरू ने वापस क्लेम क्यों नहीं किया, लेकिन उसका उस पार्ट का हाथ से जाना ही इतनी बड़ी चुनौती हमारे लिए डाल रहा था कि अगर वो, मेरे ख्याल से अगर एक पल के लिए अगर हम नेहरू के प्रति थोड़ा फेयर होके सोचें तो शायद उनके मन में ये भी मंशा थी कि ये भी आशंका थी कि जो ट्राइबल ट्रूप्स जिन्होंने पीओके को अटैक किया है, उस रीजन के बारे में हमें कितनी जानकारी है और क्या वो हमें उस वहाँ के लोग वैसे भी हमें स्वीकार करेंगे। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट है कि 1937 ऑनवर्ड्स कश्मीर की पॉलिटिक्स को, इंटरनल पॉलिटिक्स को मिसरीड करके पूरी तरह से अपना जो अपना सपोर्ट शेख अब्दुल्ला को देना और राजा हरी सिंह को एंटेगोनाइज करना, ये पूरा एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस था जिसने कश्मीर राजा हरी सिंह को पूरी तरह से एंटेगोनाइज किया था। और जो एक आसान मर्जर हो सकता था वो एक बहुत कठिन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्जर हुआ।
इसके बाद हमें पता है कि 1 जनवरी 1948 को नेहरू जी ने पूरा मामला जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर दिया था, यूएन जनरल असेंबली को रेफर कर दिया था. और वहां पे भी एक बहुत अच्छा क्लॉज जो था वो संभवतः सरदार पटेल ने इंसर्ट कराया था कि जो प्लेबिसाइट की बात होती है, जो कई बार कभी कभी जो है हमारे लिबरल्स उस पर कूद पड़ते हैं, एक बार कमल हसन साहब ने भी कूद पड़े थे कि प्लेबिसाइट, उस प्लेबिसाइट का एक प्री कंडीशन है कि द होल ऑफ कश्मीर, विच मीन्स एवरी इंच और एवरी पार्ट ऑफ पीओके नीड्स टू बी हैंडेड बैक टू इंडिया बिफोर द प्लेबिसाइट, and favorable conditions need to be created for such a plebiscite to take place. Unfortunately, jo hai isko distort karke Arundhati Roy kuch aur kehti hai, Kamal Hassan kuch aur kehte hain. Ab dekhiye politics mein kis tarah jo hai expectations ka miscalculation hota hai. Sheikh Abdullah ko shayad ye ummeed thi ki agar wo Nehru का साथ दे देते हैं तो आज़ादी के बाद नेहरू उनको आज़ादी देने में, कश्मीर को आज़ादी देने में उनका साथ देंगे. और नेहरू को ये उम्मीद थी कि अगर हम इसका साथ दे देते हैं तो वो पूरी तरह से इंडिया के हो जाएंगे. और शेख अब्दुल्ला को तुरंत आज़ादी के बाद ये पता चल गया था कि इंडिया के साथ डील करना, कि इंडिया केवल नेहरू नहीं थे, इंडिया उस वक्त इंडियन लीडर्स में उतने ही शक्तिशाली और उतने ही प्रभावशाली सरदार पटेल थे, उतने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उतने ही भीमराव अंबेडकर थे. उनको पता चल गया था कि उनकी मंशा जो है वो पूरी नहीं हो सकती, तो वहाँ से जो है बार्गेनिंग शुरू हुई जो धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग का फॉर्म लेती गई. तो आर्टिकल 370 जो था वो पहला बार्गेन था, जो कि एक मिथ्या, एक भ्रम हमेशा से एक प्रोपोगेट की गई है कि आर्टिकल 370 इज लिंक टू कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया. नो, इट इज नॉट लिंक टू इंडिया. जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वही है जो 300 और प्रिंसली स्टेट्स के साथ साइन किए गए हैं. तो एनीवे आर्टिकल 370 आया. अब 1952-53 तक एक बार फिर जो है शेख अब्दुल्ला बहुत बेचैन हो चले थे, और हर बार जब उनकी बेचैनी होती, और आज तक पिछले साल तक वो पॉलिटिक्स चल रही थी, तब वो प्रो पाकिस्तान बयान और प्रो पाकिस्तान एक्टिविटी शुरू कर देते. और ऐसी स्थिति में नेहरू जो इतने समय से शेख अब्दुल्ला के साथ थे, अब परेशान होकर, हताश होकर उन्होंने कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में शेख अब्दुल्ला को 10 सालों के लिए जेल भेज दिया. और आज की तरह वो जेल में नहीं थे, जो हाउस अरेस्ट में आज वो दल लेक के नज़ारे देख रहे हैं या जिम की फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, उनको कश्मीर से 2000 किलोमीटर दक्षिण की ओर कोडाई कनाल में रखा 10 साल. और ये नेहरू ने रखा, जो लिबरल थे, जो डेमोक्रेट थे, जो शेख अब्दुल्ला के सबसे बड़े, सबसे बेस्ट फ्रेंड थे. लेकिन ये ऐसे सिचुएशंस तब भी पैदा किए गए थे शेख अब्दुल्ला के द्वारा, और आज जो है कश्मीर के लोकल लीडर्स के द्वारा आज वो पैदा किए गए. एनीवे 1954 मई में एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा की गई आर्टिकल 35A के जरिए. आर्टिकल 370 ये था कि इंडिया का जो ज्यूरिडिक्शन है कश्मीर के ऊपर वो केवल 3 क्षेत्रों में रहेगा, वो है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन. लेकिन आर्टिकल 35A वाज डेडली. आर्टिकल 35A गिव एक्सक्लूसिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू डिसाइड Who is a permanent citizen of Jammu and Kashmir? इसका अर्थ यह है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली चाहती तो पीओके का कोई रेसिडेंट जो है वो कश्मीर का रेसिडेंट हो सकता है, और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ कश्मीर ही कैन बी अ रेसिडेंट और अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो जिन पार्टियों ने पिछले 55 सालों से आर्टिकल 35A जैसे बाह्यात आर्टिकल्स को सपोर्ट किया जो कि सिटीजनशिप लॉज का मजाक उड़ाती, आज वही पार्टियां सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अगले हफ्ते पार्लियामेंट में आ रहा है उसका सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध करने वाली. तो ये हिपोक्रेसी जो है हमारी राजनीति में हमेशा से रहा है. एनीवे, कमिंग बैक टू कश्मीर, 10 साल जो शेख अब्दुल्ला जेल में रहे तो गुलाम मोहम्मद बख्शी नाम के एक उन्हीं के जूनियर कलीग को वहां का
प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. उसमें प्राइम मिनिस्टर कहते थे कश्मीर के लीडर को. और लगभग 9 या 10 साल जो है बहुत शांत और बहुत ही कुशल प्रशासन रहा कश्मीर में. हालांकि टू बी फेयर टू गुलाम मोहम्मद बख्शी, आर्टिकल 370 को लेके वो भी उतने ही मतलब पक्के थे कि आर्टिकल 370 कश्मीर में नहीं हटना चाहिए. बट ही वॉज लार्जली उनका जो शासन रहा है, अदरवाइज इट वॉज अ वेरी पीसफुल पीरियड फॉर कश्मीर वेयर प्रोग्रेस हैपेंड, वेयर देर वॉज नो मेजर टर्ब्युलेंस. बट सम हाउ आफ्टर द डिफीट इन द चाइना वॉर, नेहरू या तो अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे थे या कोई रिकॉन्सिलेटरी मोड में थे. अपनी मृत्यु के लगभग 5 या 6 महीने पहले उन्होंने सारे केसेस जो हैं कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा इनरोड्स हो नहीं पाए थे, कुछ वो आगे बढ़ नहीं पाया था, उन्होंने सारे केसेस विड्रॉ करके शेख अब्दुल्ला को एक बार फिर कश्मीर की राजनीति में बहाल किया. और ये साइकिल जो है आप देखेंगे कि राजीव गांधी के टाइम तक चलता रहा. कभी वो झगड़ते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में और फिर बाद में उन्हीं को फैसिलिटेट करते थे राजनीति में. तो 1965-66 में दोबारा शेख अब्दुल्ला ने कुछ हरकत की, दोबारा उनको बाहर किया गया. लेकिन 1975 तक आते आते जब शेख अब्दुल्ला को लगा कि अब उनकी भी राजनीति खत्म हो रही है और प्रो इंडिया पोस्चरिंग में उनको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था वॉर में, तब उनकी भी राजनीति बदल गई थी शेख अब्दुल्ला को. उनको लगा कि इंडिया से अभी पंगा नहीं लेना चाहिए. तो 1975 में दोबारा जो है एक इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच पैक्ट हुआ, जिसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पे बहाल किया गया. 1982 में उनकी मृत्यु हुई और उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो सीएम बने. अब फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपको एक सच बताऊं, जब वो सीएम बने थे वो अपने पिता से ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे. वो इंडिया के नेता बनना चाहते थे, इसलिए उनकी पॉलिटिक्स तो जो थी वो ज़्यादा प्रो इंडिया थी कंपेयर टू शेख अब्दुल्ला. लेकिन कांग्रेस में वो इनसिक्योरिटी भी थी कि एक बड़ा मुस्लिम नेता जो है अगर कश्मीर का होता है जो प्रो इंडिया बातें करता है, तो वैसे भी जो है उस समय की कांग्रेस जो है, आज भी वही हाल है कांग्रेस का, उस समय जो है एक 5 साल के कार्यकाल में एक स्टेट में 3 बार सीएम बदले जाते थे शरद पवार के ज़माने में, या तो एक रोटेशन के तौर पर 2 साल कोई नेता सीएम होता था तो उसको वैसे भी बदल दिया जाता था. तो जब फारूक अब्दुल्ला के मंसूबे वो देखते थे तो वैसे इनसिक्योरिटी रही होगी या क्या कारण रहा होगा. 1982 में फारूक अब्दुल्ला सीन में आए, 1980 तक उनकी इलेक्टेड सरकार को इंदिरा गांधी ने गिरा दिया. कैसे गिराया? उनके 12 MLAs को अपने साथ ले लिया और GM शाह जो फारूक अब्दुल्ला के ही बहनोई थे और एक बहुत ही करप्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, उनको CM बना दिया गया. अब सेम व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला जो कि एक समय प्रो इंडिया पोस्चरिंग कर रहा था, बाय 1987 ही वाज अ विशियस पॉलिटिशियन हु वाज ओपनली कनाइविंग विद एंटी इंडिया फोर्सेस. और ऐसी स्थिति में सब कुछ जानते हुए एक बार फिर राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में एक पैक्ट हुआ 1986 के दौरान. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब 1987 में असेंबली इलेक्शंस हुए कश्मीर में, तो वहाँ की जनता तब तक इतनी त्रस्त हो चुकी थी, वो देख चुके थे कि कांग्रेस और NCP जो है, जस्ट एक सेकेंड, तो उस वक्त जो था 1987 की असेंबली इलेक्शन में लोगों को पता चल चुका था कि कश्मीर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ये सारा जो है एक पोस्चरिंग था, दोनों की मिली भगत जो थी वो बहुत स्पष्ट हो गई थी. तो ये इस ड्रामे में साइड बाय साइड हो रहा था, ये हो रहा था कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे वहाँ के वो इतनी बड़े पैमाने पे कंसोलिडेट हो चुके थे कि 1987 के इलेक्शंस में यसीन मलिक उस समय अपना करियर शुरू कर रहा था, एक छोटा मोटा गली का नेता हुआ करता था. जब 1987 के इलेक्शंस पूरी तरह से रिग किए गए कांग्रेस और NC के द्वारा, तो रातों रात ये लोग जो सड़कों पे घूमते थे एक स्मॉल टाइम रेडिकल एलिमेंट्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कंसोलिडेशन करके मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना लिया 1989 तक. और
इलेक्शन में हार के बाद जो उनका मानना था कि पूरी तरह रिग्ड था और उसमें सच्चाई भी थी, उन्होंने आर्म्स पकड़े और 1989 में द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी वो सीन इन द वैली, जिसमें कि रातों रात जो है ऑलमोस्ट कश्मीर पंडित की कश्मीर पंडित कम्युनिटी को किसका सफाया किया गया वैली से। तो ये मोटे तौर पर एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कहाँ किसने क्या किया। मोटे तौर पर जो है जो कश्मीर की लीडरशिप थी, जो लोकल लीडरशिप थी, उसने भरपूर फायदा उठाया आर्टिकल 35A का और आर्टिकल 370 का, कश्मीर का संपूर्ण विलय जो भारत से हो सकता था उसको रोकने के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए। अब जो हमने किया कि तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि आपने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना वैलिड था, अब मैं उस पर आता हूँ। क्योंकि इस आर्टिकल को हटाना जो था वो एक पहली, मैं उसको ये नहीं मानता हूँ कि वो एक संपूर्ण सल्यूशन है, इसके बाद जो है कश्मीर में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है टूवर्ड्स अटेनिंग नॉर्मलसी। अब अगर आर्टिकल 370 को आप गौर से पढ़ें, आर्टिकल 370 में ही एक क्लॉज है, क्लॉज 3, जो प्रेसिडेंट को ये पावर्स देता है दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द प्रेसिडेंट इफ ही डीम्स राइट कैन विथड्रॉ दिस क्लॉज। और वो पावर उसको आर्टिकल 370 के अंदर ही, 370 के अंदर एक और क्लॉज है 1D, उससे प्राप्त होता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, नेहरू जिस तरह से ही वो जिस तरह से शेख अब्दुल्ला की ब्लैकमेलिंग में आते जा रहे थे, ये स्वाभाविक है कि बाबा साहेब अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आर्टिकल 370 और 335A के खिलाफ थे, निश्चित तौर पर वो एक अवसर फ्यूचर लीडरशिप के, कंट्री के फ्यूचर लीडरशिप को देना चाहते थे कि आप इसी क्लॉज के अंदर हम ऐसे लूपहोल्स डाल रहे हैं जिसको एक फ्यूचर लीडर इन्वोक करके हटा सके। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आर्टिकल, आपने इतने सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 15 है, क्या किसी भी आर्टिकल में ऐसा क्लॉज है कि आप आर्टिकल 15 को ही विड्रॉ कर सकते? नहीं है। तो कहीं ना कहीं यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, जो डिसएग्रीमेंट उस समय थी नेहरू और अन्य लीडर्स के बीच में आर्टिकल 370 को लेके, आर्टिकल 35A को लेके, ये लूपहोल्स जो आर्टिकल या ये प्रोविजन जो आर्टिकल 370 में दिए गए हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने शायद बाद में पढ़ा भी नहीं होगा, वो इसलिए दिए गए थे कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन यूटिलाइज दीज पावर्स टू इन्वोक देम, बिकॉज इन एनी केस दीज आर्टिकल्स वर टेम्पररी प्रोविजन्स। बट थैंक्स टू द वाइली लीडरशिप ऑफ द लोकल लीडरशिप, दे यूज्ड इट एज अ बार्गेनिंग टूल कॉन्स्टेंटली, दे यूज्ड इट एज अ ब्लैकमेलिंग टूल कॉन्स्टेंटली, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर कुड नेवर बी कंप्लीट विद इंडिया। अब एक सवाल जो है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक सवाल जो है वो निश्चित तौर पर आता है, एक समय पर हमारा भी अलायंस हुआ था PDP के साथ 2015 में, और ये निश्चित तौर है, ये स्वाभाविक भी है कि ये सवाल उठते हैं कि भाजपा और PDP के बीच भी अलायंस हुए थे, और ये भी सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बार हमारे साथ आ चुकी है। द फैक्ट इज अ डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस नेसेसरी ईविल्स। उस समय का जो मैंडेट था, हमारे मन में हमेशा से स्पष्टता थी कि ये दो आर्टिकल्स जाने हैं, लेकिन उस समय का जो मैंडेट था, 2014 के अंत में जो चुनाव हुए थे और उस समय का जो मैंडेट था वो एक इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। BJP को कुछ 25 सीटें मिली थी 88 सीटों में कश्मीर में, PDP को कुछ 28 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ 14-15 सीटें मिली थी, और ऐसी स्थिति में नोइंग द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर, अब जम्मू हैड वोटेड एन ब्लॉक टू BJP, कश्मीर वैली वॉज डिवाइडेड, ज़्यादा वोट्स उनको, ज़्यादा सीटें PDP को गई थी, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव भी होते तो ज़्यादा संभावनाएं यही थी कि मोटे तौर पर वही परिणाम आने वाले थे। सो यस, वी डिसाइडेड टू गिव डेमोक्रेसी अ चांस, लेकिन 2 साल बाद भी PDP के रहने के बाद जब हमें
हमने हमारी लाख कोशिशों के बाद हमने यही पाया कि उनकी जो एक जीवे जीवे पाकिस्तान मानसिकता, वो कहते हैं कि वो ऊपर से तो इंडिया के साथ है लेकिन कोई ऐसा कसर, कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं है पाकिस्तान को भी लाभ दिलाने का. जब हमने रियलाइज़ किया कि वो नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, तो हमने त्यागा उसको. अब सवाल उठता है कि भविष्य क्या है कश्मीर का. आर्टिकल 370 कैन ओनली बी अ माइलस्टोन, इट इज़ नॉट द एंड. और जब हम बात करते हैं भविष्य का, समवेयर द कल्चरल, द सोशियो कल्चरल नैरेटिव ऑफ द वैली, वन ऑफ द रीजंस व्हाई द वैली हैज सफर्ड सो मच स्पेशली सिंस 1989-1990 वाज कश्मीरियत. जो शब्द हम सुनते हैं, जो 1989 में जेनोसाइड हुआ था, उसके बाद कश्मीरियत की जो हत्या हो गई थी पूरी तरह से. और एक तरफ जो जो बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं 1989-90 के बाद, दे हैव नॉट सीन, यू नो, दे हैव सीन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन. उन्होंने कभी एक एक कॉम्पोजिट कल्चर को वहाँ देखा नहीं है. उन्होंने देखा है सिक्योरिटी, आर्मी के लोग उनको मारते हैं और वो जो है रिटेलिएट करते हैं. तो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो है कईयों में ये मानसिकता हो गई थी कि भारत उनका दुश्मन है. और ऐसे सिचुएशन में अब वो सऊदी की फंडिंग है, या जो मेरी जानकारी है कई जो वहाँ के मॉस्क हैं, दे हैड अज्यूम्ड सलाफी एंड वहाबी मूरिंग्स. और वो रेडिकलाइजेशन जो मॉस्क में हो रहा था, जो चीज़ें वहाँ बताई जा रही थी, दे वर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सर्टन एवर्जन टूवर्ड्स इंडिया. और यहाँ पे जो है सोशियो कल्चरल नैरेटिव बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ये बात, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कश्मीर वही भूमि है जिसको आदि शंकराचार्य ने, जिसका भ्रमण किया था 8वीं सेंचुरी में. कश्मीर वही भूमि है जहाँ के 12वीं 13वीं सेंचुरी में ईरान से फ्री ट्रेड होता था. इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव लैंड इन द 12th एंड 13th सेंचुरीज बिफोर अ मोर, यू नो, ब्रूटल फॉर्म ऑफ इस्लाम अंडर पीपल लाइक औरंगजेब टुक ओवर. सूफी संतों का आना जाना ईरान से बहुत ही कॉमन चीज़ होता था 13th-14th सेंचुरी में. और उस वक्त जो है, लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, बहुत सारे कन्वर्जन जो है, रिलीजियस कन्वर्जन्स, वो केवल डर के आधार पर नहीं हुए, डर का भी एक फेज था, लेकिन बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो आउट ऑफ जेन्युइन फेथ इन सूफी सेंट्स हुए हैं. तो एक जो मुझे लगता है कि एक सूफिज्म का कल्चर, एक पॉजिटिव सूफिज्म का कल्चर जो सलाफी और वहाबी इन्फ्लुएंसेस के द्वारा समाप्त हो गया था पिछले 30 सालों में, अगर हम उसको बहाल करने की कोशिश करें, वो एक 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 हीलिंग प्रोसेस को और मजबूत करेगा. दूसरी बात आती है इकोनॉमिक प्रोसेस की, कि स्वाभाविक है कि एज अ गवर्नमेंट विच बिलीव्स, एज अ पार्टी विच बिलीव्स इन क्रिएटिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, द नेक्स्ट बिग थिंग इज टू क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सोशियो कल्चरल नैरेटिव्स इंपॉर्टेंट होती है, बट जब इंसान को एक बेहतर जीवन दिखता है तो बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो भूल जाते हैं. और कश्मीर में जो एक रेडिकलाइजेशन ये दो आर्टिकल्स की वजह से हुआ था, एक घेटुआइजेशन हुआ था जिसमें बाहर के लोग नहीं आ सकते थे, उसको तभी दूर किया जा सकता है जब कश्मीर उतना ही प्रोग्रेसिव लैंड हो जैसा कि आज मुंबई हो, जैसा कि दिल्ली हो. और देर इज़ नो रीज़न फॉर इट टू नॉट बी दैट वे. एक इन्वेस्टर समिट होना था अक्टूबर में, जो बाद में दिसंबर में स्थगित हुआ और अब शायद फरवरी या मार्च में होगा, बट दैट विल सेट द टोन फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर कश्मीर. अब एक स्वाभाविक है कि कश्मीरियों में एक डर है कि, और ये डर सब में होता है. आप नागपुर में बैठे हैं, आपको लगता है कि बाहर के लोग आ जाएंगे तो आपके जो है ऑप्शंस ख़त्म होने लगेंगे. अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है जिसको हमें तय करना होगा कि कैसे ये डर हटाया जा सके. बिकॉज अगर आप बाहर के लोग बिल्कुल नहीं आएंगे तो वैसे भी आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम दे नीड टू बी रीअश्योर्ड कि बाहर के लोग जो हैं वो हैप्पीली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं उनके साथ, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आ रहे हों, उनका जगह छीनने के लिए नहीं आ रहे हैं. अभी पिछले हफ्ते एक इंडियन डिप्लोमैट ने सुझाव दिया था कि हमें इजरायली मॉडल की तरह कश्मीरी पंडित्स को वापस वहाँ सेटल करना चाहिए.
देखिए ये सुझाव जो है वो इस पर जो है केवल एक जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है दैट कैन टेक अ कॉल, बट एक अंतर यहाँ पर ये है कि पिछले 200-300 सालों से ये एक सच है कि कश्मीर के पंडित कम्युनिटी की पॉपुलेशन वहाँ हमेशा 10% से कम थी, तो आज भी अगर वो वापस भी जाए तो इज़राइल से इसलिए जो है इसकी तुलना पूरी तरह से उचित नहीं होती है. बट फैक्ट इज कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, वाजपेयी जी ने 2002 में एक स्लोगन दी थी, कश्मीरियत जमहूरियत इंसानियत, और जिसमें स्वाभाविक मतलब है कश्मीरियत रेफर टू द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स अक्रॉस सेंचुरीज इन कश्मीर, एक थोड़ा सा जो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर था कश्मीर का. जमहूरियत डेमोक्रेसी है और इंसानियत जो है वो मानवता है. आज उसी लाइंस पर आगे बढ़ के जरूरत है कि कश्मीरियत को हिंदुस्तानियत से जोड़ें, बिकॉज टिल द टाइम द कश्मीरी पॉपुलेशन इज नॉट कन्विंस्ड दैट कश्मीर वॉज एंड विल ऑलवेज बी अ रोबस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंटीग्रेशन जो है वो पूरी तरह नहीं हो सकता. तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सोशो कल्चरल नैरेटिव कायम करना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कायम करना है, और जो है वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है रीअश्योरेंस देना जो है वो सारी प्रोसेस होंगे. लेकिन मुझे यकीन है कि ये सरकार हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने में यकीन रखती है. कई बार हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एक झटके में नहीं ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको आरंभ नहीं किया जाए आज तो वो रॉन्ग्स जो है हमेशा कायम रहेंगे. जो आज हमने किया है आर्टिकल 370 को हटाना, आर्टिकल 35A को हटाना, 1960s में और खासकर नेहरू के टाइम में राम मनोहर लोहिया के बयान है पार्लियामेंट के अंदर जहां के उन्होंने बहुत हिमायत की थी इस बात की कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए. और शायद एक समय लेट 1960s में अर्ली 70s में जब इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल हो चुकी थी पाकिस्तान को हराकर, उस समय खासतौर पे जब लगभग 100,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारी गिरफ्त में थे 1971 वॉर के बाद, उस समय यह करना आसान था. लेकिन कई बार जो है देश के नेता उसको स्थगित कर देते हैं क्योंकि हार्ड डिसीजन से सब कतराते हैं. आज 4 महीने हो गए, ये सच है कि आज भी जो है कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल नहीं है. अब लोग कह रहे हैं कि मानवाधिकार का हनन है, लेकिन अगर आप फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, और इस पे कश्मीर के में जो सीनियर आर्मी ऑफिसर सर्व कर चुके हैं उनसे भी डिटेल बात की है, जनरल अता हसनैन से डिटेल बात की है, आज जो वॉर आज जो लड़ाइयाँ जो युद्ध लड़ी जा रही हैं वो ज़मीन पर तो जो है सेकेंडरी है, वो मोबाइल इंटरनेट और इंटरनेट के ज़रिए जो है वो मेन लड़ाई लड़ी जा रही है. बुरहान वानी अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद वो बुरहान वानी नहीं बनता, उसने सारा प्रोपोगंडा केवल और केवल इंटरनेट पर ही किया था. तो इन अ वे जिसको आप पेपर टाइगर कहते हैं वो इंटरनेट टाइगर. और ऐसे ढेर सारे जो हैं, ढेर सारे तो मैं नहीं कहूँगा, उनकी संख्या भी कम है, लेकिन कम से कम 100 ऐसे मिलिटेंट्स आज भी होंगे जो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि इंटरनेट चालू हो और दोबारा से जो है एक प्रहार इंडिया पर करें. और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा सैक्रिफाइस है टू सिक्योर द लार्जर फ्यूचर फॉर कश्मीर. और इसमें जो है अगर इंस्टेड ऑफ रेजिंग क्वेश्चंस कि इंटरनेट क्यों नहीं है, अगर थोड़े दिन और कोऑपरेट करें बाकी लोग, तो इसमें आप एक डेफिनेट सुधार भविष्य के लिए देख सकते हैं. अब मैं इसको जस्ट ओपन करना चाहूँगा सवाल जवाब के लिए, क्योंकि आज आधे घंटे से ज़्यादा जो है लोगों की अटेंशन स्पैन नहीं होती है. It is always a treat to listen to you, Tuhin ji. Thank you. My question is that from Ashok's time, King Ashok actually gave a new dimension to Kashmir. Right from that time to Zorawar Singh, who had a fight with China. Since then, we have been overlooking the role of China in Kashmir.
And I think at times I feel whenever I study or when I work there with Kashmiris or when I was studying 370, by the way, it's one of the kaleidoscopic change, the abrogation of 370 and 35A, and I fully support it. But we are still overlooking the role of China. China ka isme bahut zabardast role hai. I completely agree with you, sir, and that is one of the reasons that explains our hastiness in taking the decision to abrogate Article 370 and 35A and to reorganize the state. Because see, agar aapne Ladakh ke MP ka bhi bhashan suna ho, Ladakh mein, jo Abdullah dynasty ban chuki thi ya jo muftis the, they were so self-centered in Kashmir that Ladakh anyway was being ignored. Ladakh mein China kya kar raha hai, usse to unko parwaah hi nahi tha, balki unko khushi hoti thi ki China bhi jo hai is drama mein shamil ho raha hai. To ye sare intelligence reports the hamare paas ki China ka jo role hai wo badhta ja raha hai, aur isliye dekhiye pehle right from 2014, from the day we first came to power, ये हमारी जो है कमिटमेंट इन दो चीज़ों को लेके थी ही, दो या तीन चीज़ों को, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया. उस समय जो है लोग कभी कभी व्याकुल हो जाते हैं बिकॉज कई बार जो है वो स्थिति की पेचीदियों को नहीं समझते हैं. उस समय राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, लोकसभा में पास हो भी जाता तो राज्यसभा में अटक जाती है. तो उस समय जो है यू कैन से दैट वी ऑल्सो रियलाइजिंग दैट वी डेंट हैव द मेजॉरिटी टू मेक दैट, फॉर द टाइम बींग वी made peace with PDP, which did not work out. But at this point of time, we did not want to delay the abrogation of Article 370 35A, given, as you have mentioned, the larger role which China had planted for itself in the entire thing. Or apne Doklam, I would say, if you ask me, the way we handled Doklam was in many ways a turning point in our relationship with China. Because more than abrogation of Article 370 and 35A, if you ask me, the success of India has been dealing with the world post that. Even the Organization of Islamic Countries, barring Turkey and barring one other country, have largely remained quiet, which in effect has actually meant that they are okay with what India is doing, and that is our completely our internal matter. At the same time, Saudi Arabia, in fact, had issued a statement supporting us. So yes, we are cognizant of the threat which China poses and the funds of China which were flowing into the valley and only aggravating the solution, the problem. Namaskar. मुझे ये कहना था कि ये आपने अक्सर मैं liberals से ये हम लोग सुनते हैं कि कश्मीरियत, आपने कहा हिंदुस्तानियत और इंसानियत भी साथ में जोड़ी गई, जमहूरियत जोड़ी गई. तो मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है क्योंकि ये कश्मीरियत शब्द, पहले तो क्या पूरा हिंदुस्तान इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं था? पूरा का पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियत शब्द के पहले भी इंक्लूसिव था. और उन सब कभी ऐसी बात नहीं आई कि बंगालियत या महाराष्ट्रियत या राजस्थानियत आई. ये जो कश्मीरियत जो शब्द जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या सोच की है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान आज कोई नया नहीं है ऐसा. हिंदुस्तान पिछले जो मैंने इसीलिए इतिहास बताई थी, ये जो 10 साल का जो प्रोसेस था लगभग 1936-37 से लेकर 1947, एक आसान सा जो मर्जर था उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था कि हमने बहुत सारे कंसेशंस दिए. तो जब आर्टिकल 370-35A दे दिए तो कश्मीरियत शब्द तो एक बहुत छोटा था, लेकिन इन सब का जड़ जो है वो एक जो कॉम्प्लिकेटेड मर्जर हुआ या कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस था 1937-38, इन सब का जड़ वहाँ पर है. अगर वो आसानी से विलय हो जाता तो इस शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती. हेलो सर, अभी जो चल रहा है अभी तो बंद है सब कुछ वहाँ पे इंटरनेट वगैरह, पर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडिया के लीडर्स को वहाँ पे जाने के लिए मतलब बंदी है और यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए आने के लिए आप आपने छूट दिए, ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों ऐसा दोनों में? नहीं, पहली बात मोबाइल इंटरनेट बंद है. जो नॉर्मल इंटरनेट है जो आप लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से करते हैं वो चालू है.
तो मोबाइल इंटरनेट बंद है, व्हाट्सएप बंद है, बाकी जो है वो शुरू हो चुका है. दूसरी बात देखिए, किसी भी लीडर पर कोई रोक नहीं है. राहुल गांधी ने कहा कि मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ. इनफैक्ट पहले गवर्नर साहब ने कहा कि आप आके देखिए, तो पहले उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ. अब वो इनविटेशन जो है उनके लिए था, वो 10 लोग को ले जाकर नहीं था. तो वो जाकर वहाँ पर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते थे. दूसरी बात जो है, अगर मैं आपको कहूँ, ये अगस्त 2022 की बात है जब CWC की मीटिंग हो रही थी. CWC की मीटिंग में उनको नया नेता चुनना था, जो कि वो नहीं चुन पाए. लेकिन वहाँ से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने जो फेक न्यूज़ का प्रयोग किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात उन्होंने कही, रात 8-9 बजे की बात है, सडनली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए प्रेसिडेंट की घोषणा होगी. वो आके कहते हैं कि आर्मी ने बहुत लोगों की जान ली है, खून खराबा हुआ है. उस फेक न्यूज़ को आधार बनाकर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ डॉजियर निकाल दिया. उस फेक न्यूज़ को आधार बनाकर इमरान खान ने अपनी UN में पूरी स्पीच में जो है इंडिया की बुराई की. तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सीरियसली लिया जाए, मेरा प्रश्न ये है. हेलो सर. सर, जैसे हमारे होम मिनिस्टर सर ने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया है कश्मीर, हम उसको भी हासिल कर लेंगे. तो सर, ये बाय डिप्लोमेटिकली हम करेंगे या फिर बाय मतलब वॉयलेंस के थ्रू होगा ये? उन्होंने तारीख नहीं बताई है, तो वो 2048 में भी हो सकता है. नहीं सर, वो एक विजन है. वो एक विजन है कि ये सारी ज़मीन जो है वो हिंदुस्तान की थी. हाँ. लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई है. नहीं सर, तो ये डिप्लोमेटिकली होगा या बाय वॉर करना ही पड़ेगा ये ऐसा? देखिए, आप आगे देखिए, बिकॉज पाकिस्तान का टूटना लगभग तय है. वो आज टूटे, 2 साल बाद टूटे, 5 साल बाद टूटे. तो मैंने इसलिए कहा ना कि उन्होंने एक मिशन स्टेटमेंट बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कब होगा. तो अब ये पिछले 70 सालों से हम कह रहे थे, या पिछले 50 सालों से कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हटेगा. इस वक्त जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो उसको हटाने के अनुकूल थी. अब पिछले 100 साल से जो है वो राम मंदिर का डिस्प्यूट चलता जा रहा था, और लोग सवाल पूछने लगे थे कि आप तारीख कब बताएंगे. इसलिए इस बार हमने तारीख बताई नहीं. इस बार हमने जस्ट एक मिशन स्टेटमेंट दिया है अब, और हमें यकीन है कि वो एक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी कि वो भी होगा. सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कश्मीर में जो हो रहा है, उसके लिए हम वहाँ के लोकल लीडर्स को मतलब जिम्मेदार समझ रहे हैं, पर क्या ये हमारे राष्ट्र की मतलब हमारे राष्ट्र में जैसे कांग्रेस, BJP जो नेशनल पार्टीज़ है वो अलग अलग व्यूज़ रख रहे हैं, ये बात अलग है, पर कोई ऐसे इशू पे हमारे पार्टियाँ अलग अलग व्यूज़ कैसे रख सकते हैं कि वो विरोध करना है करके कर रहे हैं बस विरोध? तो ऐसा विरोध किस काम का? जैसे कि हम देख रहे हैं इंग्लैंड में भी, या फिर कोई विकसित राष्ट्र है, अमेरिका, इंग्लैंड, कैनेडा जैसे, वहाँ के राष्ट्र में सभी पार्टियाँ एक साथ मिलकर राष्ट्रहित में जो फैसला होता है वो लेते हैं. हमारे इधर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस या फिर BJP, मैं ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहता, पर कोई भी एक फैसला लेते समय हमारे पार्टियों में एकता नहीं होती जो हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, 1992 में आपको याद होगा, या आप उस समय शायद पैदा नहीं हुए होंगे, उस समय PV नरसिम्हा राव ने, प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उन्होंने वाजपेयी जी को हमारी डेलीगेशन का हेड बना के UN में भेजा था, क्योंकि उनको यकीन था कि वाजपेयी जी से बेहतर इंडिया का पक्ष कोई नहीं रख सकता है. और वाजपेयी जी के घर पे, उनके लिविंग रूम में PV नरसिम्हा राव की एक बहुत बड़ी तस्वीर हुआ करती थी, क्योंकि उतना सम्मान वो करते थे PV नरसिम्हा राव को. तो उस समय की राजनीति अलग थी. आप मेरी राय पूछें तो 1998-99 से ये माहौल तब से ज़्यादा बदला है, क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है सोनिया गांधी का ओरिजिन कहाँ है, उनका मूल क्या है, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि ना तो सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी पूरी तरह से भारत की राजनीति
को समझ पाए हैं, भारत के इतिहास को समझ पाए हैं। और जब वो नहीं समझते हैं तो स्वाभाविक है कि कई बार जो उनकी वर्ल्ड व्यू होती है, जो उनका दृष्टिकोण होता है मामलों पर, वो बहुत वन साइडेड होता है और कई बार वो विंडिक्टिव होता है, जो कि देश को नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। अब जैसे मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात कर लूँ, अभी वो अगले हफ्ते पार्लियामेंट में आने वाला है। कल मैं एक टीवी चैनल पे डिबेट में था, उससे पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली, आज राहुल गांधी ने पहले ही बयान दे दिया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। दिसंबर 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में, उनका एक बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, जब उन्होंने बिल्कुल वही बात कही है जो हमारी सरकार आज कह रही है कि जो ब्रूटैलिटी, जो मैसेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में केवल अल्पसंख्यक होने की वजह से हिंदुओं को भुगतना पड़ा है, धर्म परिवर्तन करना पड़ा है उनको, उनसे बचाने के लिए ये गलत नहीं होगा कि उनको, जो शोषित व्यक्ति हैं वहाँ पर, उनको सिटीजनशिप दी जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि आज तक जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी पूरी तरह से इंडिया की राजनीति को समझना या उसका अध्ययन करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, और सारी प्रॉब्लम यहीं से कांग्रेस की शुरू होती है। सर, मेरा नाम विश्वास है। एक क्वेश्चन है, आपने एक कहा बात कही कि आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो पहले आपको हिस्ट्री रिव्यू करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ की अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑल्सो एंड वॉच इट ऑल्सो। क्वेश्चन इज दैट कि क्या कांग्रेस ने इस चीज़ को, जो चीज़ आज बीजेपी ने 370 में क्लॉज 3 में वो देखा था कि प्रेसिडेंट्स उसको ही कैन एबल टू रिवोक दैट, सो क्या कांग्रेस के इसमें कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो वो जानते थे कि भाई प्रेसिडेंट के थ्रू इसको हम लोग हटा सकते हैं, या कांग्रेस ने इंटेंशनली इसको ये किया हुआ है कि जानबूझ के कि भैया हमारे हमारा धंधा चलते रहे और हमारा ये चलते रहे। आज 370 हटाए जाने के बाद सचिन पायलट और मिलिंद देवरा ने इसका समर्थन किया है, ठीक है, और भी मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी समर्थन किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब पार्टी एक परिवार बन जाए और परिवार ही सारा निर्णय ले तो जो बाकी आवाज़ें हैं वो दब जाती हैं, जो राष्ट्रवादी आवाज़ें हैं या जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं। तो अगर ये कमान जो है एक व्यक्ति के हाथ में या एक पार्टी के हाथ में नहीं होता तो स्वाभाविक है कि पहले भी ऐसे नेता थे, पीवी नरसिम्हा राव कर सकते थे, लाल बहादुर शास्त्री कर सकते थे, इंदिरा गांधी भी करती। इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी थी मुझे नहीं पता, लेकिन इंदिरा गांधी में वो सेम एक कट्टर राष्ट्रवाद की भावना थी। और इनफैक्ट राजीव गांधी तक मैं समझता हूँ, राजीव गांधी ने कुछ एरर्स ऑफ जजमेंट ज़रूर किए हैं, लेकिन उनके समय तक जो था एक, और इनफैक्ट नरसिम्हा राव के समय तक कांग्रेस एक दूसरी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन पिछले 20 सालों में, अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं, जो परमाणु टेस्ट हुआ था हमारा 1998 में, उस समय भी पहले 10 दिन तक कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया था। 10 दिन के बाद जो है पहला रिएक्शन सोनिया गांधी का था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करना हमारी मजबूती नहीं, हमारी कमजोरी है। 2009 में एज प्राइम मिनिस्टर शर्मल शेख, आपको याद होगा मनमोहन सिंह गए थे शर्मल शेख में, एक समिट हुआ था जहां कि उन्होंने तब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि वी आर ओपन टू पाकिस्तान एग्जामिनिंग आवर रोल इन बालूचिस्तान, जिसको लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से पिछले 20-22 सालों में बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी एब्सोल्यूट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन इश्यूज, कांग्रेस का एक बड़ा विचित्र सा डूबियस सा स्टैंड रहा है बहुत सारे इश्यूज पर। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 4 महीने से ऊपर होने को आए हैं और मोबाइल इंटरनेट फिलहाल नहीं है कश्मीर में, परसों ही एक खबर आई थी कि व्हाट्सएप से, जैसा आप कह रहे हैं चूंकि व्हाट्सएप नहीं है कश्मीरियों के पास फिलहाल, व्हाट्सएप से लोगों के नंबर सिरे से गायब हो गए, उनका व्हाट्सएप से अकाउंट्स चले गए। आपने कहा कि ये एक छोटा सा सैक्रिफाइस है देश हित के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है कि देश हित के साथ साथ क्या लोगों का हित भी नहीं मायने रखता, और उसके साथ साथ ये कि क्या इस पर कोई हमने तारीख या कोई इस तरह का अनुमान है कि जब तक ये स्थिति
सामान्य मानी जाए ताकि वापस बहाल की जाए. एक छोटा सा जुड़ा हुआ इससे और सवाल है. आपने जिक्र किया कि फेक न्यूज़ फैलाई गई अबाउट वायलेंस अगेंस्ट द पीपल देयर. काफ़ी प्रमुख पब्लिकेशंस अंतर्राष्ट्रीय, सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, नाम लिया जा सकता है जैसे कि इंडिपेंडेंट, जैसे कि और भी कई पब्लिकेशंस थी, द गार्डियन, उन सब में प्रमुख काफ़ी खबर आई हैं क्रूरता की जो कि कश्मीरियों के साथ हैं, नामों के साथ, लोगों के तस्वीरों के साथ, पर्सनल अकाउंट्स के साथ. तो क्या हम उन सबको भी सिरे से खारिज करेंगे या क्या कोई, अगर आपको लगता है कि गार्डियन की इस खबर को एनडीटीवी पिक नहीं करती, एनडीटीवी पिक नहीं करती अगर ये खबर में इतनी सच्चाई होती, वायर पिक नहीं करती, कैसे छूट गए उनकी नजर से? देखिए, मैं ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूँ, जो वाकई अच्छी मंशा के साथ जाना चाहते थे. एक लेडी है गुंजा कपूर, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली प्रवृत्ति उनकी प्रो राइट बीजेपी है, लेकिन शी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टी. अब 5 अगस्त को ये हटाया गया, 8 अगस्त से 5 दिन वो अपने पैसे से स्पेंड करके बिना किसी को बताए वो 5 दिन पूरे कश्मीर में थी और कम से कम 5 या 6 वीडियोस उनके हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई. लेकिन जब आप एक ढिंडोरा पीट कर जाना चाहते हैं कि मैं ये, एक तो आप ज़्यादा जो है एक मैसेजिंग देना चाहते हैं कि चीज़ें खराब हैं जो वहाँ नहीं होती. और भी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम मतलब आप आदित्य राज कपूर को, ये सब अपने पैसे पे, बिकॉज आई नो इट फॉर अ फैक्ट एंड यू कैन वेरीफाई इट, बिना किसी से परमिशन लिए ये 7 या 8 अगस्त से वहाँ पर हैं. तो आपको इनकी रिपोर्टिंग पर भरोसा नहीं है और गार्डियन की रिपोर्टिंग पर, और गार्डियन की रिपोर्टिंग हुई, आप जो अपने जो भी फेवरेट आपके जर्नलिस्ट हैं इंडिया में उनको बोलिए कि वो स्टोरीज जो हैं नाम के साथ वेरीफाई करें जो गार्डियन में छपी है. हालांकि मुझे लग रहा है कि आप अभी भी वो कन्फ्यूज़ करें, अल जजीरा में आया था रिपोर्ट, नहीं तो गार्डियन ने रेप्लिकेट किया होगा, मेनली अल जजीरा में आया होगा और वहाँ से पिक किया होगा. इंटरनेट पे तो आप कहीं से भी, आप नहीं तो आप वॉशिंगटन पोस्ट जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए बदनाम है. तो माझं नाव पद्मश्री तांबेकर. त्या काळामध्ये एक घोषणा चालली होती, एक धक्का और दोर पाकिस्तान तोड दो. का आपल्याला असं वाटते का की पाकिस्तानचे 3 तुकडे झाल्यानंतर भारताचा शांतीचा मार्ग निघेल? क्या पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान के 3 तुकडे होने के बाद भारत में शांति का मार्ग निकल सकता है? देखिए, हम चाहे नहीं चाहे पाकिस्तान की अपनी हरकतों की वजह से वो उसके बहुत करीब है. तो बलूचिस्तान जो है वो आज नहीं तो कल. अब इसमें दो थॉट प्रोसेस है कि एक बड़ा तबका इंडिया के अंदर भी है जो चाहता है कि बलूचिस्तान की एम्बेसी हम यहाँ पर अलाउ करें, जो हो सकता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो पॉसिबल हो. कराची और सिंध जो है वो ऑलरेडी अलग किस्म के प्रॉब्लम में है. तो आज नहीं तो कल ये ऐसे ही होना है. एक व्यक्ति है वो, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ट्विटर पर वो मतलब कुछ बहुत सारे प्रिडिक्शंस अपने शेयर करता है, मेडिटेशन करता है, और उसकी क्लेम टू फेम है ये है कि फरवरी के महीने में उसने बीजेपी को 303 सीटें एक दिन अचानक ट्वीट किया था कि आई डिड सम मेडिटेशन और उस मेडिटेशन में मुझे 330 का आंकड़ा दिख रहा है. अभी महाराष्ट्र में जिस दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने दोबारा 4 दिन के लिए वोट दिया था, उससे 20 दिन पहले उसने कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि इस दिन जो है नया मुख्यमंत्री आएगा. और उस व्यक्ति का ये प्रिडिक्शन है कि 2022 30 जून को पाकिस्तान विभाजित हो रहा है. तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा ये हर व्यक्ति की, बट आज नहीं तो कल स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि पाकिस्तान को एक फॉर्म में रहना, एक टुकड़े में रहना वो खुद अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं. मुझे पाकिस्तान में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका जो हो सो हो. आई डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, आई ओनली केयर अबाउट माई कंट्री.
दैट इज इंडिया. आपकी बात में कुछ हाफ ट्रूथ्स नजर आए. फॉर इंस्टेंस यू सेड दैट प्रेसिडेंट हैज द पावर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370. आर्टिकल 370, शैल आई रीड? It says, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the president may. Which clause are you reading? I'm reading 3. Hang on a minute. I'll read, because I don't think this will be there. You will know. Since you have read it, you will know. You can tell us which clause it is. Okay, you are a very knowledgeable person. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the president may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in the clause 2 shall be necessary before the president issues such a notification. You missed out on recommendation of the Constituent Assembly. So in a situation, does it specify in a situation where a particular state is under president's rule for over a year, and a president's rule is normally imposed in a situation where there is a breakdown of law and order, the constitution, if it does not specify what happens in that situation, it could either be assumed that the governor represents the Constituent Assembly, or you are free to. How can you assume? On what basis do you assume that the governor represents the Constituent Assembly? No, that is our interpretation, and the matter is already pending in the Supreme Court. So that's what I'm saying. I speak with you now as a person, common man speaking to the minister. I have nothing for Kashmir. Kashmir is Indian, no arguments about that. Listen, let me finish. But as a minister, when you're giving a statement saying a president has the power to abrogate this, and Congress ke zamane mein nahi hua kyunki unhone shayad janbujh ke kiya, I'm not a Congressi, mind you. So you are speaking as a minister of state, and you should be very specific about your facts. I do hope you understand that. Absolutely. And so what the only gray zone over here. The only gray zone over here is, does the constitution specify that in the absence of a constituent assembly, will the governor enjoy the same powers? If the constituent assembly, if the constitution is silent on that, it is open and liable to be interpreted either way. No, it is not open and liable to be interpreted either way. It has to be first specified through whatever channels, parliament, court, whatever, and then an interpretation can be. You cannot interpret it either way. Let the Supreme Court decide that. Yeah, that's what I'm saying. Sir, that's what I'm saying. Let the Supreme Court decide. So right now you've given a complete judgment on other parties, etc., and what has happened in Kashmir. Let the Supreme Court decide. Understanding of the clause before you say that a clause has something very specific in it and other parties did not use it. The Supreme Court can't pass a judgment on the role of other parties. The Supreme Court can only pass a judgment whether the process which has been followed in abrogating Article 370 is a correct one. Sir, if the constitutionality has not been decided, Constituent Assembly, if that has not been decided, then you cannot possibly say that there is such a provision. The provision does not exist till it is legally feasible. I'm acknowledging there is a gray zone over here. It's not a But it was a very specific black and white when you were speaking, sir. That brings me to my original point in this battle between... Very specific black and white. We saw this, they didn't see it. That brings me to my original point, which is in this battle between the heart and the mind, we have taken a decision which we feel will serve the future of Kashmir and India the best. And now we will be open to whatever. This is not a battle between heart and the mind. It is the law, and law is paramount. Okay. We believe that this was the way Kashmir problem had to be solved. And we would not wait for another 70 years to solve it. Thank you. Thank you.